अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आप पार्टी ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर रीवा में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के लोगों ने प्रदेश सरकार से रोजगार या फांसी की मांग की। उक्त कार्यक्रम में काफी संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप पार्टी ने सांसद आवास का घेराव किया, लेकिन सांसद बाहर नहीं निकले और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। सांसद का घर का घेराव करने पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि आज कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी के चलते बेरोजगार भटक रहे हैं। बताया जाता है कि प्रदर्शनकारी सांसद के घर जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन उसके कुछ दूर पहले ही रोक दिया। आइए आपको दिखाते हैं आप पार्टी का रोजगार दो या फांसी दो का कार्यक्रम और सुनाते हैं मुख्य वक्ता संदीप शाह और जिला अध्यक्ष अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार का पूरे विरोध को लेकर क्या कहना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे साथ है, अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। किसी का विज्ञापन होगा वो वहाँ पहुँचा दिया जाता है, आपको उसकी रिसीप्ट मिल जाएगी। ये सांसद जी के पास किस तारीख को भेजा गया। आम आदमी पार्टी युद्ध बैंक प्रदेश व्यापी 12 सूत्री मांगों के लेकर के आह्वान पे हम लोग आज रोजगार दो या फांसी दो आह्वान के तहत आज रीवा पहुंचे हुए हैं। रीवा में 12 सूत्री मांगों को लेकर के आज सांसद महोदय के घर का घेराव किए थे, लेकिन यहां पे बैठे हुए सत्तासीन के डर के वजह से सांसद महोदय कैद हो गए घरों के अंदर। सांसद महोदय मिलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब तक नहीं मिलेंगे रोड के अंदर ही बैठ करके प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। आज मध्य प्रदेश के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, आज छात्रों के पास पढ़ने लिखने के लिए सारे इंस्टीट्यूट बंद हो जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण की ओर चला जा रहा है। आज मध्य प्रदेश का दलित आदिवासी किसान का बच्चा कहाँ जाए, कहाँ नौकरी करे, यही इन्हीं सब मांगों को लेकर के 12 सूत्री मांगों को लेकर के रीवा पहुँचे हुए हैं सांसद महोदय। जब तक उनके प्रतिनिधि या सांसद जी नहीं आते हैं हमारा अनिश्चितकालीन धरना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी 2014 में और उसके बाद 2019 में, तब उन्होंने जनता के बीच में ये वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूर की रही, प्रतिवर्ष 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो रोजगार में हैं उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। इस बात को लेकर हम लोगों ने आज सांसद जी को, जो रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन देने के लिए पूर्व सूचना CSP साहब को दे रखी थी, SDM साहब के यहाँ से परमिशन ले रखी थी और जनार्दन मिश्रा जी का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है उनका, वो सिविल लाइन में बना रखा है उन्होंने और सिविल लाइन में वो आम जन की शिकायतें सुनते हैं, उनका निदान करते हैं और वाहवाही लूटते हैं कि मैं अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुनता हूं। तो उसी समस्याओं को सुनने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर हम लोग गए थे कि ये रोजगार का मुद्दा जो है आमजन का मुद्दा है, आप हमारी समस्याओं को सुने। आपको सूचना दी जा चुकी है, आपसे मिलने के लिए हम 9 तारीख को आएंगे, लेकिन इस रोड पर जो सिविल लाइन की रोड है, जहां पर TRS कॉलेज है, जहां पर कॉलेज के विद्यार्थी जाते हैं, इस रोड पर जहां पर आगे चल के जिम खुला हुआ है, तरणताल खुला हुआ है, वहाँ पर लोग जाते हैं, किसी को कोई जाने की रोक नहीं है, लेकिन पुलिस ने हमको काले चौराहे पे ही रोक लिया और हमारे साथ जबरदस्ती की। वो किस अधिकार के तहत, किस संवैधानिक अधिकार के तहत उन्होंने हमको रोका, जबकि हमारे पास परमिशन थी, हमने सूचना दे रखी थी और इस रोड पर रुक चलना प्रतिबंधित नहीं था। इसी रोड में आगे उनका कार्यालय बना हुआ है, अगर उनके कार्यालय में जाना प्रतिबंधित है तो फिर उस कार्यालय को रोज सांसद जी से छीना जाए, उस कार्यालय में रहने योग्य नहीं है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए,
रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।